नमस्कार, सुजस चुनाव विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता होम वोटिंग पहल से उत्साहित। पहले दिन 12,000 से ज्यादा वोटर्स ने किया मतदान। एनफोर्समेंट एजेंसियों ने की अब तक 600 करोड़ रुपए की सीजर कार्रवाई। सबसे ज्यादा जयपुर जिले से हुई 99.5 करोड़ रुपए की जब्ती। हर मतदाता तक मतदान का संदेश पहुंचाने के लिए कल से शुरू होगा सतरंगी सप्ताह। बिखरेगी इंद्रधनुषी रंगों की छटा। प्रदेश में 80 साल से अधिक के बुजुर्ग और 40% से ज्यादा दिव्यांग मतदाताओं के साथ ही गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों ने निर्वाचन विभाग की अब की बार बूथ आपके द्वार पहल को सराहा है। कल से 26 जिलों में होम वोटिंग प्रक्रिया के पहले चरण की शुरुआत हुई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण गुप्ता ने बताया कि 12,342 पात्र मतदाताओं ने इसका लाभ उठाया और घर बैठे ही डाक मतपत्र के माध्यम से वोट डाला। इनमें से कई मतदाता ऐसे भी हैं जिन्होंने जीवन में पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान दलों ने सुबह 9 बजे से मतदाताओं के घर जाने का सिलसिला शुरू किया। ये मतदाता होम वोटिंग कर उत्साहित हैं और साझा कर रहे हैं अपना अनुभव। आज मेरी होम वोटिंग से हुई, मैं बहुत प्रभावित हुआ। आज मैं 1952 के चुनाव से अब तक भाग लेता रहा हूँ। कभी उम्मीद नहीं थी कि मैं अपने सेंटर में जाकर वोट डाल सकूं, लेकिन निर्वाचन विभाग ने जो काम किया वरिष्ठ दृष्टि के लिए वो बहुत एक्सीडेंट है और मैं बहुत प्रभावित हूँ। होम वोटिंग में कर रहा हूँ यहाँ पर पहली बार, तो इससे काफ़ी सुविधा हो रही है मुझे। पहले जब भी वोटिंग करने जाना पड़ता था तो दिक्कत आती थी, थोड़ा वेट भी करना पड़ता था, काफ़ी भीड़ होती थी और जो पूल बूथ होता था मतलब वहाँ पर थोड़ा दूर होता था एक्चुअली पार्किंग से, तो वहाँ तक चलने में काफ़ी दिक्कत होती थी। तो उससे कंपेयर करें तो ये काफ़ी सुविधाजनक है घर पर वोटिंग करना, तो ये बहुत अच्छी पहल है। ये बहुत बढ़िया सुविधा मिली है घर बैठे। सब जो भी हमारे जैसे विकलांग व्यक्ति है जिसको घर बैठे वोट डालने को मिला है और ये बहुत बढ़िया सुविधा है। निर्वाचन में उन्होंने बहुत अच्छा काम करा है। मेरे जैसे लोग मतलब वोटिंग कर रहे हैं, पहले मैं जाके कर देता था वोटिंग लेकिन नहीं कर पाया, और आप लोग आ गए तो वोटिंग हो गई, नहीं तो नहीं हो पाती। और सभी पोलिंग टीम ने अच्छा सहयोग करा, ये तो होना चाहिए हर मेरे जैसे मतलब व्यक्तियों के लिए जो नहीं जा सके। और अब तो जाने में अब मैं जा नहीं सकता, मैं अगर ये नहीं होता तो मैं नहीं जाता था कि घर में कोई है नहीं तो मेरा वोट नहीं डलता। कैसा लगा आपको घर पे वोटिंग करके? बहुत अच्छा लगा, ये तो बहुत अच्छा काम करा है। इन मतदाताओं की खुशी इस बात को जाहिर कर रही है कि चुनाव आयोग का ये नवाचार घर बैठे चुनो सरकार काफी हद तक सफल साबित हो रहा है। बढ़ते हैं आगे। प्रदेश भर में आज से ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की कमीशनिंग का काम शुरू हुआ। आपको बता दें कि इस दौरान टीवी मॉनिटर के माध्यम से उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने सिंबल लोडिंग प्रक्रिया को भी देखा। विधानसभा चुनाव में पहली बार ये सुविधा मिली है। एनफोर्समेंट एजेंसियों की ओर से प्रदेश में अवैध सामग्री पकड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। 9 अक्टूबर से अब तक 600 करोड़ रुपए की सीजर कार्रवाई की जा चुकी है, जो पिछले चुनाव की आचार संहिता की पूरी अवधि 65 दिनों के मुकाबले 858% ज्यादा है। 10 जिलों से 20-20 करोड़ रुपए से ज्यादा की जब्ती की जा चुकी है। सबसे ज्यादा 99.5 करोड़ रुपए की अवैध सामग्री जयपुर जिले से पकड़ी गई है। जैसे जैसे मतदान का दिन नजदीक आता जा रहा है, सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और उम्मीदवार जनसंपर्क और प्रचार में जुटे हैं। वहीं पार्टियों के स्टार प्रचारकों की जनसभाएं और रैलियां भी जारी हैं। प्रत्येक मतदाता तक मतदान का संदेश पहुंचाने के उद्देश्य से कल से सतरंगी सप्ताह आयोजित किया जाएगा। इस दौरान इंद्रधनुषी रंगों की छटा बिखरेगी, यानी अलग अलग रंगों की थीम पर लोक नृत्य, रंगोली, नारा लेखन, रैली और विभिन्न गतिविधियां होंगी। 22 नवंबर तक चलने वाले इस सप्ताह में पिछले चुनाव में कम मतदान वाले केंद्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ऐसे में आप भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और विवेक के साथ 25 नवंबर को मतदान जरूर करें।